ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। शिव रात को जब स्टेशन से निकला तो एक ऑटो में बैठा। रास्ते में सड़क किनारे कुत्तों ने उस पर हमला किया तो उसे बचाकर ऑटो वाला पट्टियां करवा के अपने ही घर ले आया, जहां डॉक्टर ने शिव से 24 घंटे आराम करने को कहा। जब शिव की नजर घर की दीवार पर गई तो वहां ऑटो वाले की तस्वीर पर माला लगी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद जब वो वहां से भागने गया तो ऑटो ड्राइवर ने शिव के हाथ पैर बिस्तर से बांध दिए। शिव मदद को चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। शायद चीखते चिल्लाते हुए अचानक बिस्तर के नीचे से उसने एक आवाज सुनी। शिव और भी जोर से चिल्लाया, कौन है? मेरी मदद करो, निकालो ना मुझे यहां से। एक आदमी बिस्तर के नीचे से निकला और उसने कहा, बस 16 घंटे और बचे हैं। शिव दोबारा चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरी मदद कर दो ना प्लीज, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो प्लीज। वो आदमी वापस बिस्तर के नीचे चला गया और एक आवाज सामने की दीवार पर हुई, उधर देखा तो दीवार पे लिखा था, तुमसे पहले वाला। शिव चीखता चिल्लाता जा रहा था, लेकिन वो एक जो सुनने वाला था शायद अब वो भी वहां नहीं था। शिव आखिरकार थक के बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर सब कुछ खुले थे। यही एक मौका था जिंदा रह पाने का। शिव तुरंत उठ के बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे को खोलते ही उसने देखा ऑटो वाला सामने दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। शिव बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वापस अंदर भागा, पर अंदर आते ही वो पलटा तो देखा ऑटो वाला दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके बाद उसके अंदर घुसते के साथ ही दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था और बंद होते होते उस दरवाजे ने एक बहुत जोर की आवाज की। इस आवाज से चौंक के जैसे ही शिव अपनी बेहोशी से जागा, तो देखा उसके हाथ पैर उसी बिस्तर से जंजीरों से बंधे हुए थे और एक बार फिर बिस्तर के नीचे से वही आदमी निकला और कहा, बस 3 घंटे और बचे हैं, 3 घंटे। और शिव का चिल्लाना एक बार फिर शुरू हुआ, तुम हो कौन? मुझे निकालते क्यों नहीं यहां से? प्लीज बचाओ मुझे, कौन हो तुम? मुझे बचाओ यहां से प्लीज, प्लीज, प्लीज। एक बार फिर
दीवार पे लिखने की वही आवाज हुई और देखा तो इस बार लिखा था 3 घंटे के बाद दर्द खत्म। शिव रो रहा था, चिल्ला रहा था और उसी बीच सामने का दरवाजा खुला। वही ऑटो वाला कमरे में आया और बिस्तर के पास लगी कुर्सी पर बैठा। कहते हैं कि मौत सामने हो तो कोई भी घुटने टेक ही देता है। शिव ने भी खुद को नहीं रोका, शायद जान बच जाए, यही सोच के उसने कहा, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा, जाने दो ना मुझे, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा, मुझे जाने दो ना प्लीज, मेरी बीवी है, बच्चे है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। सब कुछ सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या नुकसान किया था, मेरी तो एक्सीडेंट में गलती भी ना थी, फिर भी भीड़ ने मार मार के मार ही डाला मैंने, तो भी तो था उस भीड़ में, उस दिन तो बड़े गुस्से में था, आज गुस्सा ना रहा बाबूजी, सब मरेंगे मरेंगे सब एक एक करके। शिव बिस्तर से बंधा हुआ था, हिलडुल नहीं सकता था, लेकिन अभी भी दर्द, डर, परेशानी और पागलपन महसूस कर सकता था। लेटे लेटे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है और बंधे हुए उसके दाएं हाथ को पकड़ा हुआ है किसी ने। शिव ने मुड़के अपना हाथ देखा तो जैसे किसी ने गर्म चाकू चलाया हो, उसकी कलाई कटी और एक खून का फव्वारा सा निकला। शिव दर्द और डर से इतनी जोर से चीखा कि किसी के भी कान सुन पड़ जाएं। उसका रोना अगले 10 ही सेकंड में बंद हुआ जब उसके बाएं हाथ को किसी ने पकड़ा और शिव की आंखों में डर जैसे नाच रहा था। उसका रोना, किड़किड़ाना अब भीख मांगने में बदल गया था। मुझे मत मारो, ऐसे मत मारो, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन शिव के सुनने वाला शायद कोई बचा ही नहीं था इस दुनिया में। बाई कलाई भी वैसे ही कटी जैसे दाई कलाई कटी थी और दोनों कलाइयों से निकलते खून के फव्वारे में खून के छींटे ऐसे उसके चेहरे पे पड़ रहे थे जैसे बरसात के छींटे खुली खिड़की से आते हैं। जितना ज्यादा वो तड़पता, छटपटाता, उतनी जल्दी खून निकलने से मौत होती। शिव ने हार मान ली थी, आंखें अपनी बंद करके चुपचाप बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि तभी एक आवाज और आई। ज्यादा देर नहीं, बस आधे घंटे और। कुछ देर बिस्तर पर ऐसे ही पड़े रहने के बाद फिर से पलंग के नीचे से वही आदमी निकला और उसने कहा, सिर्फ 10 मिनट और। आंख खोल के उसने सामने देखा तो
दीवार पे लिखा था वेलकम, और कलाइयों से खून का बहना अब धीमा हो गया था। सचमुच शायद कुछ ही मिनटों के बाद सब खत्म हो जाना था। शिव ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो पाया कि दोनों हाथ अब बंधे हुए नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी लाश में वापस जान आ गई हो। वो तुरंत उठ के बाहर भागा। दरवाजे के बाहर निकल के देखा तो दोबारा रात का माहौल, घना कोहरा, ठंड और सर्द हवाएं। शिव वहां अपनी बची खुची ताकत से भागता रहा और कुछ दूर भागते के साथ ही एक आवाज आने लगी। पीछे से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। शिव उसे देखकर और तेज भागने लगा। ऑटो पास आता गया और शिव एक चौराहे के करीब पहुंचा। जब ऑटो बिल्कुल शिव के साथ साथ अपनी स्पीड कम करके चलने लगा, ऑटो में देखा तो वही ऑटो वाला ऑटो चला रहा था। ऑटो के अंदर एक डॉक्टर बैठा था और साथ में वही आदमी जो बिस्तर के नीचे से बार बार निकल रहा था। इस वक्त तीनों शिव को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ऑटो वाले ने कहा, ओ बाबूजी, पहुंच गए ना एकदम सही जगह पे। इतना कह के ऑटो की स्पीड कम हुई और भागता हुआ शिव थोड़ा आगे निकला। बचने की उम्मीद थी उसे अभी भी शायद, लेकिन तभी वही ऑटो अचानक तेजी से आया और एक जोरदार टक्कर मार के उसके ऊपर से निकल गया। दो दिन के बाद वैसे ही रात का समा था, वैसे ही ठंड, कोहरा और हवाएं थी, और स्टेशन पे खड़ा था एक और लड़का। तभी एक ऑटो आकर रुका। अंदर हाथ पैरों में पट्टियां बांधे एक आदमी ड्राइवर के साथ बैठा था और पीछे वाली सीट पर मुस्कुराते हुए दो लोग बैठे थे कि तभी ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी एक सवारी की जगह खाली है, आओ बैठो, छोड़ देता हूँ सही जगह पे। Thank you.